ये मुहूर्त बहुत अच्छा है कि अभी कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव है, तो मैं हमारे पुराने यार पुराने मित्र एसपी सेन साहब ने मुझे याद किया इस मौके पे। मुझे एक्चुअली मैं खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि गणेश जी का गाना एक और इतनी प्यारी धुन, इतना अच्छा भक्ति गीत बनाया उन्होंने और बहुत प्यार से गवा रहे थे आप लोगों ने जब तक। और हम लोग भी ऐसे ना पुरानी स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो अगर 10 घंटे भी वो गवाते तो हम लोग थकते नहीं हैं। तो जब तक कैप्टन सेटिस्फाई नहीं होता तब तक, और मुझे भी जितना वो गा रहा था और मज़ा आ रहा था। तो ये धुन भी अच्छी बनी है और लिखा भी बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है इस गणेशोत्सव में एक नया गणेश जी को और गणेश भक्तों को तोहफा सेन साहब की ओर से मिलेगा, और मैं इसका छोटा सा हिस्सा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि मेरे अपने स्टूडियो में, ग्रेविटी स्टूडियोज़ में, एसपी सेन साहब ने आके ये गाना रिकॉर्ड किया। तो मैं पूरी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और बेस्ट विशेस देता हूँ। और खास करके इस गाने का प्रोड्यूसर हैं खान साहब, अच्छा, एक अरे क्या बात है। बैकग्राउंड इनका मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं हाँ और उन्होंने गणपति गाना जब रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे लोग जब रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गंगा जमुनी तहजीब को जो हम लोग याद करते हैं, तो ऐसे लोग हैं तो हम मतलब कहना सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जानकर कि खान साहब ने इतना अच्छा गणेश जी का भक्ति गीत लिखा। मतलब मैं खुद ये चीज़ें मानता नहीं हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ तो मैं किसी चीज़ में डिफरेंस मानता हूँ। और हमारे लिए ये एक कला है, एक गाना है, हमारी रोज़ी रोटी है। तो जब ये और खान साहब ने लिखा है तो और भी ज़्यादा खुशी हुई है, और मुझे लगता है कि गणपति बाप्पा हम सबको इन दिनों जो संकट हमारे ऊपर है उससे दूर निकालेंगे। और मुझे लगता है यही टीम के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, यही मैं ऊपर वाले से और गणपति बाप्पा से प्रार्थना करूंगा। गणपति बाप्पा मोरी, गणपति बाप्पा। एसपी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये गणपति का गाना लिखा जा रहा था तो तभी आपके जहन में था कि सुदेश जी गाना गाएंगे, या कैसे जहन में आया कि सुदेश जी ही गाना गाना चाहिए? जब मेरे पास पेपर आए हैं गाने का, खान साहब ने ला के दी, तो मैं पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उस दिन रात को ही मैंने जब ट्यून बना रहा था, पहले हम सोच लेते कौन सिंगर गाएंगे इस गाने का, चार चांद कौन ला सकता है। तो हमारे पास दो ही सिंगर का टारगेट थे, एक विनोद दाटो और सुदेश जी। मगर उस दिन रात को मैंने टीवी में एक पुराना फिल्म का गाना सुन रहा था, तो फटाफट याद है कि नहीं, सुदेश साहब भी गाएंगे ये गाना। अभी के तभी मैंने याद कर लिया, नहीं ये गाना यही सिंगर के सिवा और कोई नहीं गा पाएंगे, तो मुझे लगा। और सर से मैंने 3 गाना गवा रहा हूँ, इसमें टोटल 8 गाना है, तो सर 3 गाने गाएंगे और अशरफ राजा गाएंगे एक गाना और प्रिया सिंह ने एक गाना गाएंगे। सब मिलके गाने को हम लोग कवर करेंगे, मगर इनके लिए मैंने खास करके ये गाना मैंने बनाया। तो सुदेश जी टीवी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि एसपी जी को, अरे टीवी देख के आपको। और मुझे लगता है इनको मैं और एक टीवी, ये इनके जितने रूम्स हैं ना, हर एक में एक एक टीवी मैं इनको गिफ्ट करूं, ताकि मुझे देखते रहे और गाने सुनते रहे और मेरी याद आते रहे। प्रिया जी आप क्या कहना चाहेंगे, इस गाने के कैसे पार्ट हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एंजॉय किया आपने गाना रिकॉर्डिंग के समय? गाने का बोल भी बहुत अच्छा है, सुदेश जी ने गाए हैं, मैंने बहुत अच्छे गाए हैं, मैं तारीफ क्यों, मैं तारीफ करती हूँ। और मैं आज इनके स्टूडियो पे आके मतलब बहुत खुशी हुई कि साथ में हम बैठे, साथ में हम काम भी करेंगे, इनके साथ साथ मैं भी गाना गाने वाली हूँ, ऐसा मेरा खुश नसीब होगा तो एसपी सेन जी ने गवाएंगे मुझे, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात कि मैंने बहुत बड़े बड़े स्टूडियो में काम किया है, सर का अपनापन देखो, नहीं हमारे स्टूडियो में करना है, चलो कर लेते। तो इनके स्टूडियो में टोटल 6 गाना हम इस वीक के अंदर हम करेंगे, और स्टूडियो इतना नीट एंड क्लीन, इतना अच्छा है। बड़े बड़े स्टूडियो में काम किया, मतलब वो मज़ा नहीं, वो बात नहीं बनी कि जो यहाँ के साइलेंस मिला वो मुझे खुश, और रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात जैनुल खान, उन्होंने मुझे मौका दिया गाना लिखे, ऐसा रहे, वो बोला लिखो सेन साहब आप ही म्यूजिक करो, बाकी आगे जाने गणपति बाप्पा मोरी। okay, सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैं हूँ सिंगर अशरफ रजा, सर जी के साथ साथ हमारे भी गाना रिकॉर्ड हो रहा है। क्या बात है, इसमें हमारा जो भी 6-8 सॉन्ग जो गणेश जी के लिए हम लोग गा रहे हैं, मिलके गा रहे हैं, और आज मैं बहुत खुश हूँ जो सर जी के स्टूडियो में हमें बुलाया गया था रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन आज मौका नहीं मिल रहा है,
एक ही दो जो सॉन्ग अभी रिकॉर्ड हुआ है, बाकी सॉन्ग अभी बाकी है। तो जैसे मैंने सुना है ये भोसले सर गा रहे हैं, तो मैंने चाय तक नहीं पे, मैं ऐसे भाग के चला आया, मैंने खाली कि टाइम निकल जाएगा, देखने को नहीं मिलेगा, इनको टीवी दूंगा, इनके घर चाय पहुंचाऊंगा। हाँ, मैं देखने के लिए खाली, क्योंकि इनको मैंने बहुत देखा हूँ टीवी में, शो में, कलकत्ता वगैरह कहीं पे भी हम देखे हैं इनको, सिर्फ शो पे देखे हैं, लाइव टू लाइव जो मतलब रूबरू देख रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा मतलब नसीब अच्छा है जो इनके साथ मुझे गाना मिला है। बकरीद के 15 दिन पहले मैं दादा से मिलने आया था, कुछ काम सोचे भी रहा, तो मैंने चलो यार पुराना लोगों से मिल के जाता हूँ। तो दादा ने जाते हुए एक बात बोला मुझे, जब इनके ऑफिस से निकला मैं, एसपी सिंह साहब ने, कि अरे खान भाई बोले कुछ गणपति का देखो कुछ करो, तो मेरे जेहन में बैठा। तो मैंने दूसरे दिन मैंने काम शुरू कर दिया, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः नहीं, सात नहीं, आठ आठ गाना मैंने दादा को लाके पहले ट्रिप में मैंने 6 गाना दे दिया। दादा करना है, कैसे करना हम लोग देखेंगे, जैसे भी करना। तो मैंने इस साल क्या किया, मैंने कुर्बानी के लिए बकरे के लिए पैसा रखा था, हम लोग साल ड्रॉप करो, पहले गणपति गाना करेंगे दादा। ये कलेक्शन मैंने जमा किया, और इसमें मेरे घरवाली का बहुत बड़ा हाथ रहा, जो हिम्मत और हौसला दिया हमें, हमने काम को आगे बढ़ाया। और मुझे खुशकिस्मती ये है कि पहला गाना हमारे सूरज जी का, सूरज जी गाए, सुरेश भोसले साहब, और उनके स्टूडियो में, ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और मुझे कहते हुए ऐसा लग रहा कि मैं शायद मेरे शरीर में वो कुछ कशिश पैदा हो रहा कि कल मैं शायद फिर एक गाना कराना आऊँ दादा के पास, दादा के पास, दादा का सर 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 में हाथ चाहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए भाई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये इतने कहना है। और रही बात है गाना जो राम राम राम, आजकल लोगों ने राम जी इतना सॉप मेटेरियल है, जैसे पहले ज़माने में गाँव खड़े में राम राम भाई ये बोला जाता था, आज लोग अजब सा एक वो बोल निकालते जिसमें सुनने को खुद अदर सबको खराब लगता, मुझे छोड़ो मैं तो कुछ मतलब, मैं तो सलाम करता हूँ, दुआ करता हूँ सबको। तो इसीलिए हमने इसको इतना सॉफ्ट डाला उसके अंदर, दादा को मैं इशारा कर रहा था थोड़ा, राम सॉफ्ट होना चाहिए था, सॉफ्ट सॉफ्ट, अरे राम राम। तो इसलिए मैं गाने को लिरिक्स में मतलब पहला गाना यही होगा, यही लोड होगा पहला गाना। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।